ऐसे ही और सदाबहार वीडियोस देखने के लिए शिमारू चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे माफ कर दो मुस्तफा। अम्मा तेरी नफरत में भी प्यार था, ये सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है। बोल किसके हुक्म से? अब्बा के हुक्म से। इस सीने की हर जगह आपकी थी। माफ करना, हम अंदर आ सकते हैं? मगर आप लोग हैं कौन? ओ, बाई इलेक्शन हो रहा है ना, हम लोग वोटर लिस्ट चेक करने आए, गवर्नमेंट के आदमी है हम लोग। अच्छा अच्छा, आइए। मिस्टर दीक्षित का नाम तो आपने बाहर नेम प्लेट पे पढ़ लिया होगा जी। मैं उनकी पत्नी हूँ भाग्यलक्ष्मी, ये हमारी बेटी है विद्या और एक बेटा है विक्रम। अच्छा अच्छा, और कोई नहीं है घर में? बस हम इतने ही हैं। घर के बाकी लोग कहाँ हैं? बाप बेटे बाजार गए हैं। आप लोग कुछ चाय वाय लेंगे भाई साहब? लेने ही तो आए हैं बच्चे लोग। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? छोड़ो, छोड़ो मेरे बच्चे को। अरे तू छोड़ दे, छोड़ मेरे बच्चे को। अस्सलाम वालेकुम मुस्तफा। क्यों बहुत जल्दी में हो भाई लोग? अम्मा एक नाम बताना भूल गई, मैं भी इसी कुनबे का हूँ, इसी फैमिली का हूँ, मुस्तफा। जा मुन्ने, जा अम्मा, इसे अंदर ले जा, इन्हें मैं सही नाम पता बताता हूँ। चल। तो सुन लो, वो बिपिन के लोग थे। क्या बिगाड़ा है मेरी बेटी ने उसका? मुन्ने अंदर जाओ। बिपिन मुन्ने के साथ रिश्ता कायम करना चाहता था। क्या? शादी का नहीं, एक रात का जिस्म का सौदा। ईश्वर, माफ कर अम्मा, ये बात मुझे साफ साफ कहनी पड़ी। अम्मा वो भेड़िया मुन्नी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करना चाहता था, इसलिए तुम्हारे न चाहने पर भी मैं इस घर में पड़ा रहा, ताकि इस घर की आबरू बरकरार रहे। तुम्हारी और बिपिन की बातें मैंने साफ साफ सुन ली थी मुस्तफा। तो फिर मुझसे क्यों छुपाई? हमने भी एक बात छुपाई थी ममा,
इन्होंने आकर हॉस्पिटल का बिल भी दिया था और डैडी की जमानत भी करवाई थी। मुझे बताया क्यों नहीं कि कोई जरूरत नहीं, मामूली घाव है अम्मा। मुझे माफ कर दो मुस्तफा, मैंने तुम्हें गलत समझा। तुम अपना खून बहाकर मेरे घर की इज्जत बचाते रहे और मैं नफरत करती रही तुमसे। अम्मा, तेरी नफरत में भी प्यार था जिसकी मुझे तलाश थी। इन जख्मों से तो बहुत पुराना रिश्ता है, लेकिन इस परिवार से मिला हुआ प्यार मेरे लिए नया। चल बेटा। तुम क्यों रो रही हो? हाँ, चलो रो लो, क्योंकि आज के बाद इस घर में कोई रोएगा नहीं। ले, तेरा भी नमक खाया। तू जहां चाहती है वही तेरी शादी होगी भैया। ये बच्चे एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। इस महीने की 20 तारीख बहुत मुबारक है, उस दिन शादी हो जाए तो। देखो, मैं अरुण का बाप हूं, इसकी शादी कब कैसे और कहां करनी है इसके लिए मुझे किसी की सलाह की जरूरत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, आप लड़के के बाप हैं तो मैं लड़के का भाई हूं, ये भूलिए मत। मुस्तफा और भाई, क्यों आपका एतराज है? मुस्तफा भाई, मैं शादी करने के लिए तैयार हूं। इस बाई इलेक्शन की अहमियत को आप समझिए, अगर हम ये इलेक्शन हार गए तो हमारी सरकार गिर जाएगी, पार्टी का नामो निशान खत्म हो जाएगा। अपोजिशन वाले तरह तरह के हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं, लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं। आप भी रुपए की फिक्र मत कीजिए, ब्लैंक चेक देने के लिए तैयार हूं मैं। ईंट का जवाब पत्थर से दीजिए, लेकिन किसी भी कीमत पर खुदा के लिए इस इलेक्शन को जीतिए। आप फिक्र मत कीजिए, एक आदमी है जो ये अपोजिशन की ईंट से ईंट बजा सकता है, बुलेट का जवाब वो बारूद से दे सकता है, वो है मुस्तफा। खेलिए खेलिए, आप भी खेलिए। हाँ फिर खेलूंगा। ये हमारे, ये ले। नहीं नहीं नहीं, नहीं गई नहीं गई नहीं गई, मैं खेलता हूँ, मैं क्वीन लूँ, क्वीन लूँ, मैं देखता हूँ। बैठ, तू खेल तू खेल। अबे ना ये वाला, ये तो अभी ले लूंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मालूम था आप जरूर आएंगे, थोड़ी देर हो गई, आइए। अम्मा, ये अब्बा जिन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। अब्बा, यह है मेरा नया परिवार। नमस्ते। कुछ अकेले में बात करनी थी। मैं आपके लिए कॉफी लाती हूँ। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं। अम्मा, अब्बा मुझसे अकेले में कुछ बात करना चाहते हैं। कहिए अब्बा। मुस्तफा, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, मुझे किसी भी हालत में उन लोगों को ये बाई इलेक्शन जिताना है। इतना तो मैं समझता हूँ अब्बा। तो फिर ये क्यों नहीं समझता कि तेरे अब्बा को तेरी जरूरत है? मुस्तफा, मैं तेरे सिवा किसी और पे भरोसा नहीं कर सकता। इस दंगे फसाद में मेरी जान भी जा सकती है, इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? मुस्तफा, अपने अब्बा से सौदेबाजी करेगा? अब्बा से नहीं, लेकिन आपके ऊपर जो बैठे हैं उनको तो कीमत चुकानी पड़ेगी। आपने ही कहा था इस धंधे में जज्बात की कोई कीमत नहीं। तू नहीं मांगता तो भी मिल जाता। बोल, क्या चाहिए? दीक्षित की नौकरी, बच्चे के लिए एडमिशन, बच्चे की शादी के लिए पैसे, इस परिवार की हिफाजत, बस और कुछ नहीं। बड़ा जज्बाती हो गए मुस्तफा, जब से देख रहा हूं परिवार की बात कर रहा है। मिल जाएगा, लेकिन काम पूरा होने के बाद। अब्बा का हर लफ्ज़ आंखों पर, काम हो गया समझो, चाहे मुस्तफा की जान क्यों न चली जाए। अरे मरे तेरे दुश्मन। सरकार अब्बा को पैसे दे रही है, ऑपोजिशन हमें पैसे खिला रही है, अपनी तो पांचों उंगलियां घी में है और सर जलती हुई कड़ाई में होगा, क्योंकि अब्बा का कमांडर गुलाम मुस्तफा है। अपोजिशन की हार या जीत से मुझे कोई वास्ता नहीं, मुझे मेरे बेटे के खून का बदला लेना है।
इस इलेक्शन के धांधले में मुस्तफा को खत्म करना है। मेरा एक ही मकसद है, मेरे बेटे के माथे पर गुलाम मुस्तफा के खून का टीका लगाना। मुन्नी, यह तुम्हारी चूड़ी जो अम्मा ने गिरवी रखी थी। और ये कुछ यादें हैं, अपनी शादी में जरूर पहन लेना। जिस शादी के लिए आप अपनी जान जोखिम में डाल रहे हो, मुझे ऐसी शादी नहीं करनी भैया। मुझे भी ऐसी इंजीनियरिंग की सीट नहीं चाहिए उस्ताद। मुस्तफा, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे। मुस्तफा, जिस बुराई के रास्ते को तुम छोड़ चुके हो, दोबारा हम तुम्हें वहां जाने नहीं देंगे। तेरा शुक्र है खुदा, मैं तो लावारिस था, लेकिन मेरे मरने के बाद मेरी लाश लावारिस नहीं होगी। कोई तो है मेरे जनाजे को कंधा देने वाला। जी, ऐसी अशुभ बातें नहीं करते बेटा। अम्मा, अल्लाह ने मुझे मेरे लिए आंसू बहाने वाला घर दिया है, हर पल मैं इसे खुश देखना चाहता हूं। मुझे तो जाना ही होगा। जाने से पहले तेरे हाथ की एक कॉफी मिल सकती है। दयानंद, ये वादा है, तुम्हारी नौकरी तुम्हें वापस मिल जाएगी। विक्रम, तुम्हारी एडमिशन पक्की समझो। दिल लगा के पढ़ाई करना, मुन्नी की शादी में कोई कमी नहीं होगी। बोलो मालकिन, मालकिन। मुस्तफा, शुक्रिया। मुझे क्या करना है मुस्तफा भाई? कभी तो अपने दिमाग से काम कर सुदामा, हमेशा मुझे क्या करना है मुस्तफा भाई। इस घर को तुम्हारी जरूरत है, इस घर की हिफाजत और शादी का इंतजाम तुम्हारी जिम्मेदारी। मुस्तफा भाई, मुझे आंधी आने की आहट सुनाई दे रही है। आंधी नहीं आएगी सुदामा। हाँ, थोड़ी हवा जरूर तेज होगी, कुछ धूल उड़ेगी, कुछ सूखे पत्ते गिरेंगे, बिखरेंगे इधर उधर, पर जो पेड़ मजबूत है उसे जड़ से उखाड़ फेंकने की ताकत उस हवा के झोंके में नहीं होगी। फिक्र मत करो। गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। सलाम मुस्तफा। सलाम अलैकुम मुस्तफा भाई। हाँ बोल। मुस्तफा भाई, अपोजिशन वाले लोगों को डरा धमका रहे हैं कि राम प्रसाद चौधरी को ही वोट दो। वापस जाओ, दोबारा उसी पब्लिक को धमका उकसा, बोलो राम प्रसाद चौधरी को ही वोट दो, नहीं तो काट डालेंगे। पर मुस्तफा भाई, अपना कैंडिडेट तो डॉक्टर सुरेश अधिकारी है। जो बोला है वो करना। चलो भाई लोग, चलो। एक बात तुम लोग ध्यान से सुन लो, अंदर वोट सिर्फ राम प्रसाद चौधरी को ही देना, वरना सबको काट डालूंगा। अंदर सिर्फ वोट राम प्रसाद चौधरी को ही पड़ना चाहिए। तुम लोग भी सुन लो मैडम, अंदर वोट सिर्फ राम प्रसाद चौधरी को ही देना। ये मैं क्या सुन रहा हूँ मुस्तफा? क्या तुम्हारे आदमी पब्लिक को धमका रहे कि ऑपोजिशन वाले को वोट दो? अब्बा, मुझे अपने तरीके से काम करने दो। आप आम खाइए, पेड़ क्यों गिन रहे हैं? भरोसा रखिए, घर में जाके सो जाइए, पब्लिक समझदार है। चलो, ठप्पा सिर्फ राम प्रसाद चौधरी को लगना चाहिए, समझे? क्यों जबरदस्ती है क्या? तू ताने करने का बोला ना,
अप्पा सिर्फ राम प्रसाद चौधरी को लगना चाहिए, समझे? चलो दूसरी तरफ देखते हैं। अरे ओ भाई लोग, वोट तुम लोग किसको देने जा रहे हो भाई? वोट किसी को बताकर थोड़ा दिया जाता है, जिसको दिल में होगा देंगे, कोई जबरदस्ती है क्या? वोट सिर्फ राम प्रसाद चौधरी को ही देना, वरना दिल निकाल कर कुत्तों को खिला दूंगा, समझे? वोट सिर्फ राम प्रसाद चौधरी को ही पड़ना चाहिए, वरना एक एक को काट डालूंगा, समझे? चलो भाई लोग। अजीब दादागिरी, राम प्रसाद चौधरी तो डरा के वोट मांगता है, इससे अच्छा तो सुरेश अधिकारी है, कम से कम हाथ जोड़ के तो वोट मांगता है। चलो उसी को वोट देते हैं। तूने किसको वोट दिया? सुरेश अधिकारी को वोट दिया। राम प्रसाद चौधरी को क्यों नहीं दिया? अरे तू क्या समझता है हम डर गए क्या? अरे यार क्या, तो उल्टा हो गया सब। अरे साहब आगे चलो। ये सब अपने ऑपोजिशन वालों को वोट दे रहे हैं। भगाओ सबको, मारो सालों को। अंदर जाकर अपने उम्मीदवार के निशान पर ठप्पा लगाना शुरू कर दो। जाओ। जी भैया। ये क्या कर रहे हैं आप? आजाओ, चलो भागे रहे। हटाओ सबको, कोई बचने न पाए। हटाओ सबको, हटाओ। मुस्तफा, ओह शिट, मज़लूम लोगों पर जुल्म कर रहा है, अगर ताकत है तो अपने कैंडिडेट को जिता के दिखा। मुस्तफा भाई, अंदर रोहन जबरदस्ती अपने कैंडिडेट के ऊपर ठप्पे मार रहा है। ठप्पे कैसे लगाने हैं मैं सिखाता हूं तेरे को। जाओ अंदर, ठप्पे लगाओ। चलो अंदर।
मुस्तफा मुबारक हो इम्तियाज भाई। थैंक यू ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। बस बस आओ आओ ना आप बैठिए। शुक्रिया मुस्तफा ये सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है। इस मेहनत के बदले में मैंने कुछ मांगा था अब्बा ने वादा किया था वो सब कुछ तुम्हें मिल गया समझो क्योंकि तुम्हारी वजह से ही हम ये इलेक्शन जीते हैं। कौन सा इलेक्शन नहीं जीते 86 के इलेक्शन ने सीने पर लकीर की है 91 और 96 के इलेक्शन में पीठ पर ठप्पे मारे हैं ये पहला इलेक्शन है जिसने मेरे बदन पर दस्तखत नहीं किए। जानते हैं हर वक्त हमारी जीत की मोहर पहले तुम्हारे बदन पर लगती है बाद में रिजल्ट डिक्लेयर होता है। एक बात कहना चाहता हूँ कोई तो इलेक्शन गुंडों की मदद के बगैर जीत के दिखाइए। अब इन दिनों में ऐसा मुमकिन नहीं है मुस्तफा तुम तो जानते हो। इलेक्शन के बाद हर वक्त की तरह पुलिस मेरा पीछा कर रही है। अब तुम्हारी हिफाजत हमारा फर्ज है। नहीं मेरी हिफाजत की फिक्र मत कीजिए लेकिन आज के बाद इस तरह की मदद की भी मुझसे उम्मीद मत रखिए। आज से ये गुलाम आपके लिए मर चुका समझिए। बहन की शादी के बाद मैं अपने आप को पुलिस के हवाले कर दूंगा। जेली मेरा आखिरी ठिकाना होगा जो भी सच है वहां कबूल करूंगा। गाड़ी रोको गाड़ी रोको। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ये मुस्तफा आपका खास आदमी है? मेरे बच्चे की तरह है। अब वो खुद को कानून के हवाले करने की बात कर रहा है। आप कानून की बात करते हैं इम्तियाज भाई कानून तो आपके लिए खिलवाड़। देखिए वो ईमानदार आदमी है उसकी आंखें सच बोलती हैं। ऐसा ही आदमी हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा वो मेरी बात नहीं टालेगा। मैं उसे समझाऊंगा कि वो अपने आप को कानून के हवाले ना करें। समझेगा तो ठीक है अगर ना समझे तो वो जिंदा नहीं उसकी लाश ही पुलिस के पास जानी चाहिए। नमस्ते नमस्ते भाभी जी। नमस्ते नमस्ते आइए। ससुराल जाके हमें भूल ना जाना। अरे अंकल भैया इसको देखेंगे तो बेहोश हो जाएंगे। सुंदर लग रही है ये। अरे इसकी नजर ना लगे हमारे जीजा जी के तो भाग तो रुकना। अरे तेरा क्या विद्या तू तो उसे रोज देखेगी। अरे भाग्यलक्ष्मी बारात आ गई है। ए जी मुस्तफा के हाथ से जब तक ये शगुन के चावल विद्या के माथे पर न गिरे मुस्तफा का आशीर्वाद न मिले क्या फायदा। ये रोशनी ये धूम धड़का क्या मुस्तफा कहाँ है मिस्टर दीक्षित। भाग्यलक्ष्मी तुम शांत हो जाओ मुस्तफा ने वादा किया है ना वो जरूर आएगा। अब मैं जाऊं बारात आई है ना। आंखें बंद कर ले। मुन्नी तूने कुछ नहीं देखा कुछ नहीं देखा तूने नीचे सब राह देख रहे होंगे। चलो पल्लू ठीक कर ले ये लगा दे ये देख। शाबाश गुड़िया लग रही है गुड़िया। वो देखो
यहाँ से कैसे? अरे अम्मा, मुस्तफा हूँ, कहीं से भी आ सकता हूँ। बैठ। नमस्ते, बैठिए। सलाम चंदन साहब, लगता है आपको न्योता मिला। माफ करना मुस्तफा भाई, इस बार मुझे तुम्हें गिरफ्तार करना ही पड़ेगा, वारंट है मेरे पास। मालूम है मुझे, कर लो, लेकिन थोड़ी देर रुकना होगा, अंदर बहन की शादी हो रही है। रस्म पूरी होने के बाद आपके साथ चलता हूँ। हमें पहुंचाने के बाद यहाँ के खाना खा के जाना बड़ी मुकद्दस घड़ी है। ठीक है मुस्तफा भाई। सुदामा, फिलहाल इनका मुंह मीठा करो। चलो अम्मा, बाकी के लोग राह देख रहे हैं। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलम तनयोये मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यम्बके। चल तो तू अब तो आजाद हो जा, थोड़े दिन के लिए हम पिंजड़े में जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। मुस्तफा, ये विक्रम के एडमिशन का लेटर, ये मिस्टर दीक्षित की नौकरी का, और ये मेरी तरफ से बच्ची के लिए तोहफा। शुक्रिया विक्रम। मुस्तफा, मेरे एक इशारे पे पुलिस यहां से वापस जा सकती है। नहीं अब्बा, अब मैं ऊपर वाले का इशारा जान चुका हूं। आज तक जो भी किया अब्बा के लिए किया, अब बस। कितनी बार आपके कहने पे ये पुलिस वापस गई है, अब की बार मैं इनके साथ जाऊंगा। जाने से पहले इस घर की खुशी के लिए शुक्राने की दो रकत नमाज पढ़ना चाहता हूं, बस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो रकत नमाज शुक्राना पढ़ता हूं मैं, कुर्बतनिल्लाह। अल्लाह अकबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन हदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लजीन अनअमत अलैहिम गैरिल मक्तूब अलैहिम वलद्दालीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस्समद लम यलिद वलम युलद वलम यकुन लहु कुफुवन अहद। अल्लाहु अकबर। सुभान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दिह सुभान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दिह سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله اكبر سبحان ربي العلى وبحمده سبحان ربي العلى وبحمده سبحان ربي العلى وبحمده الله اكبر استغفر الله ربي واتوب اليه سبحان
बोल किसके हुकुम से? अब्बा के हुकुम से। मुस्तफा भाई अब्बा ने, अब्बा के हुकुम से। अब्बा, इस सीने की हर जगह आपकी थी, दो गोलियां आसानी से रह जाती, पीठ पे क्यों मारा? उस्ताद, अब्बा, अब्बा, मुस्तफा भाई, पहली बार मैंने आपको बिना पूछे कुछ किया, ठीक किया ना? नहीं।